भरतपुर जिले कामा में लूटपाट और चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग रहा है। इस बारे में व्यापार संघ ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराकर पुलिस जाब्ता बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कामा थाने को किसी भी प्रकार का जाब्ता नहीं मिला, जिससे आए दिन चोरी, लूटपाट और फायरिंग जैसी घटनाएं हो रही है। बताते चले कि पिछले दिनों 3 दुकानों से चोरों ने लाखों रुपए का सामान और नकदी चुरा लिया था। वहीं दूसरी तरफ कस्बे के करतार कॉलोनी में लूटपाट, मारपीट और पथराव जैसी घटना को कुछ असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया था। कस्बे में एक छत्ता मोहल्ले में घर में घुसकर गोलीबाजी की। तहसील के पास बारात के संग लूटपाट, महिलाओं लूट, बाजार में भी सरेआम गुंडागर्दी, दुकानदारों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार और 3 दुकानों की भगवान दास जी सिंगल, जीतरा घड़ीवाला और एक वह अपने फूलचंद जी, तीनों दुकानों में पूरी चोरियाँ हुई हैं। पुलिस प्रशासन सुनने वाला ही नहीं है, मूक बनकर देख रहा है तमाशा। सर जल्दी से जल्दी चोरियों की खुलवाई जाए और जो गुंडागिरी और जो गोलीबारी करी है औरतों के साथ छेड़छाड़ की है, उन मुलजिमों को पकड़ा जाए। 35,000 रुपये एक व्यापारी भाई सामान देने गया अंदर और 35,000 रुपये लूट के ले गए, उसके थैले को उठा के ले गए। और कल दो व्यापारियों के चोरी हुई है, सामान ऊपर से सरिया काट के अंदर घुस के और उसके कपड़े लत्ते पैसे थैले सब ले गए। आए दिन एवरी डे हर दिन एक चोरी रोज हो रही है और इसका कोई इंतजाम पुलिस कर रही है और न प्रशासन कर रहा है। सबसे कह दिया, सबसे बता दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी।